आखिर कैसे शक्त सिंह ने वीर महाराणा प्रताप की मदद की, आइए आप जानते हैं। तो जब हल्दी घाटे युद्ध के समय वीर महाराणा प्रताप का घोड़ा यानी कि चेतक घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो एक ही बार में 26 फीट का नाला पार कर लिया था और फिर चेतक पूरी तरह से घायल हो गया था। अब चेतक की गति धीरे धीरे कम हो गई और वीर महाराणा प्रताप ने जब पीछे देखा तो दो घुड़सवार आ रहे थे और उनके चेहरे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहे थे और फिर वीर महाराणा प्रताप अपनी तलवार लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब घुड़सवार करीब आए तो उनके आंखों में आंसू देखकर वीर महाराणा प्रताप चकित हो गए और देखा तो वो शक्त सिंह था। शक्त सिंह वीर महाराणा प्रताप का भाई था और उसे लोगों ने देशद्रोही कहकर अकबर का सेवक बना दिया था। अब चेतक अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और कुछ ही देर में चेतक वीर गति को प्राप्त हो गया और तब वीर महाराणा प्रताप अपने जीवन में पहली बार रोए थे। उसके बाद वीर महाराणा प्रताप अकेले हो गए थे और उसका साथ देने वाला चेतक भी अब वहां पर मौजूद नहीं था। फिर शक्त सिंह ने अपना घोड़ा वीर महाराणा प्रताप को दिया और दोनों भाई एक दूसरे के गले लगे और फिर वीर महाराणा प्रताप वहां से आगे बढ़ गए। तो फ्रेंड्स, ये थे शक्त सिंह जिन्होंने वीर महाराणा प्रताप की कुछ इस तरह से मदद की थी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अभी तक आपने वीर महाराणा प्रताप और हल्दी घाटे युद्ध के पीछे का वो सच नहीं जाना है तो प्लीज इस वीडियो पर क्लिक करें और जाने हल्दी घाटे युद्ध के पीछे की सारी सच्चाई।